देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग आज की डेट में उस अमानवीय जघन्य दुष्कृत्य को एक राजनीतिक हथियार जिस तरीके से बना रहे हैं, वो अक्षम्य अपराध की तरीके से। महिला को न्याय मिलना चाहिए, उसके रेपिस्टों को कई कई बार फांसी मिलनी चाहिए, और जो भी इसके दोषी हैं कानून उसको कठोरतम दंड दे। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग बंगाल को, बंगाल के लोगों को उसका रहे हैं, अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर सामने से भी जवाब आएगा और इस तरीके के प्रत्युत्तर जो हैं लोकतंत्र को कमजोर करते हैं। हम महामहिम राष्ट्रपति जी के भय से, भयभीत होने से और निराश होने से अपने आप को संबद्ध करते हैं। महामहिम जी को भयभीत बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन उन्हें भयभीत मणिपुर में भी होना चाहिए, जहां पर लगातार जघन्य अपराध चल रहे हैं, नग्न महिलाओं की परेड कराई जा रही है। उन्हें भयभीत बिहार की घटना पर भी होना चाहिए, उन्हें निराश और भयभीत महाराष्ट्र की घटना पर भी होना चाहिए, उत्तर प्रदेश में हाथरस की घटना पर भी होना चाहिए, राजस्थान की घटनाओं पर भी होना चाहिए। हमारे अगर महामहिम जी इन सब जगहों के लिए भी भयभीत होती हैं, तो हमें लगेगा कि महामहिम जी सभी महिलाओं के प्रति क्या नाम समान व्यवहार भी हो रहा है और सभी जगह भयभीत होने के कारण भी हैं। और कानून महामहिम जी के इस आदेश के बाद या इस उद्बोधन के बाद कानून को और सख्ती से अपना पालन करना चाहिए।